हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आईटी जेई प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी स्टूडियोस एस्केप वेलोसिटी। जी हां, सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इकलौता यही चैनल ऐसा है जिसके ऊपर आपको आईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है ऑल एक्सपर्ट फैकल्टीज डायरेक्टली फ्रॉम कोटा। ठीक है, जैसे कि टीम आप देख ही सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और काफी एक्सपर्ट टीम है फॉर योर आईटी जेई प्रिपरेशन, और वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है आपको कहां पर, अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सारी की सारी टीम आपको साल भर तक आईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर करने वाली है एज पर कोटा कोर्स स्ट्रक्चर, और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कहां पर, अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर। तो जैसा मैंने बोला, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक लेक्चर का आपको पहले से ही अपडेट मिलता रहे। ठीक है ना, ये लेक्चर होने जाएंगे लाइव। ठीक है ना, कुछ अभी लाइव जा रहे हैं, कुछ अभी प्री रिकॉर्डेड जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी सारे के सारे लेक्चर्स लाइव ही होंगे। तो आप उनके ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, हर एक टीचर के साथ में इंटरैक्ट भी कर सकते हो ताकि आपके अगर कोई छोटे मोटे डाउट्स आते हैं तो वो साथ के साथ क्लियर भी हो जाए। तो इतनी सारी फैसिलिटी के साथ में शायद ही कोई और यूट्यूब चैनल इस पूरे के पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप जरूर से जरूर इस चैनल के ऊपर मिलने वाले लेक्चर्स का फायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं अबाउट माई स्पेशल क्लास, और वो होने वाली है कहां पर, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। आप लोग अवेयर ही होंगे अनअकैडमी का एक प्लस प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको कई सारे एडुकेटर्स की क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है। ठीक है ना, कुछ पेड क्लासेस हैं और कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो कि फ्री होती हैं। तो उनमें से ही मेरी नेक्स्ट जो स्पेशल क्लास है उसका शेड्यूल है ऑन सैटरडे। सैटरडे मतलब कि कल की ही बात कर रहा हूं मैं, 7th ऑफ अगस्त की बात कर रहा हूं। 7th ऑफ अगस्त को ये स्पेशल क्लास होने जा रही है जिसका टाइमिंग है 3 PM, मतलब दिन में 3 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी। और इस क्लास में हम लोग आईटी जेई प्रिपरेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट टू फिनिश करेंगे, और वो कौन सा है, रियल गैसेस है। ठीक है ना, जिन लोगों ने आईटी जेई का सिलेबस देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो उनको जरूर से जरूर आइडिया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द रियल गैस। ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज में आता है रियल गैस। सिर्फ रियल गैस से ही क्वेश्चन नहीं आते, आगे आने वाले चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है उनके अंदर भी रियल गैसेस के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और ऐसा नहीं कि एक घंटे में सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे, एकदम स्टार्ट टू फिनिश, और वो भी एज पर आईटी जेई एडवांस लेवल। ठीक है ना, तो डोंट मिस आउट दिस लेक्चर, बिकॉज ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कुछ पे करना है, इट इज एब्सोल्यूटली फ्री। ठीक है ना, और ये फ्री क्यों है, ताकि आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस कर पाए कि हाउ गुड इट इज। ठीक है, जब आप एक बार ये स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे आपको खुद से ही आइडिया लग जाएगा कि प्लस के अंदर क्या क्या चीजें प्लस है, कितने सारे उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर इसके ऊपर जाइए, रजिस्टर करिए, ताकि आपको जब क्लास हो तो उसको अटेंड करने का मौका मिल जाए। अगर आप पहले से अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इस क्लास के लिए रजिस्टर करना है, और उसके लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर जाइए, वो आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप पर प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाएगा, और वहां पर आप इस क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट आज के टॉपिक की, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। वही बात मैं वापस से बोलूंगा कि जिन भी बच्चों को आईटी जेई सिलेबस का आइडिया है तो उनको यह भी आइडिया होगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स के अंदर भी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती रहेंगी। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिकॉज दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, तो इसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस लेक्चर का, बिकॉज आज से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो मेरा दावा है कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स के हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अंदर इजीली बना लोगे।
ठीक है। साथ ही साथ मेरा जो रेगुलर शेड्यूल है ऑन अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी, तो दो स्लॉट्स मेरे हैं जिसके अंदर एक मॉर्निंग 8 to 9 है और एक इवनिंग में 5 to 6 है, और दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री के दो अलग अलग चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अभी दो टॉपिक जो अपने चल रहे हैं वो है एक मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री और आज से कंसंट्रेशन टर्म, और दूसरा अपना 12th क्लास का जिसमें केमिकल काइनेटिक्स बस खत्म होने वाला है, एक दो लेक्चर उसके बचे हुए हैं। तो इसी टाइप से चलेंगे, मॉर्निंग वाले शेड्यूल में रहेगा 12th क्लास और इवनिंग वाले शेड्यूल के अंदर रहेगा 11th क्लास, और ऐसा नहीं 11th और 12th क्लास के जो पार्ट्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिए हैं, ठीक है ना। ये वाला जो 11th और 12th है वो कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा कोटा के अकॉर्डिंग, मतलब कोटा में हम लोग जिन चैप्टर्स को 11th क्लास में पढ़ाते हैं उसी को हम लोग इस स्लॉट के अंदर डिस्कस करेंगे, और जिन चैप्टर्स को हम लोग 12th क्लास के अंदर कोटा में पढ़ाते हैं वही सारे चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्निंग वाले शेड्यूल में, ठीक है ना। और वो भी बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ, बिकॉज आई टीच ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, और अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि कितनी इन डेप्थ नॉलेज वाला कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और उसी की जरूरत पड़ती है अपने को किसमें, आईआईटी जेई एडवांस में। मेंस तक के तो फिर भी क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन एडवांस के अगर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाने हैं आपको तो किसी एक्सपर्ट टीचर से ही आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज कोई टीचर अगर तीनों केमिस्ट्री पढ़ाता है, या कई महान लोग तो ऐसे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि हम आईआईटी जेई लेवल का पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। आप साल भर अगर उनसे पढ़ रहे हो तो अपने करियर के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, बिकॉज पढ़ते टाइम तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो सिर्फ ईजी ईजी चीजें आपको बताते जाएंगे, ईजी चीज पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, लेकिन कहाँ के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एग्जाम्स के, जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस, और अगर वो क्वेश्चन नहीं बने तो साल भर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसी रिस्क बिल्कुल भी ना रहे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था हाउ टू क्रैक आईआईटी जेई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको फॉलो करके ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई क्रैक कर सकते हैं, और उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्या, टीचर्स के रोल का, ठीक है ना, कि अपने को टीचर बहुत केयरफुली सेलेक्ट करने, बिकॉज हम लोग अपने कैरियर डिसाइडिंग ईयर में कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो हजारों आईआईटीएंस और एनआईटीएंस को मैं ऑलरेडी मेंटर कर चुका हूं, और उनमें से कई सारे बच्चे तो ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए थे, इवन टॉप 50 वाले बच्चे को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब से मैं आप अपने कोर्सेज अगर अनअकैडमी पर लेकर आया हूं तो इसी उम्मीद के साथ लेकर आया हूं कि आप भी इन अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग कर लें कि आने वाले जेई के अंदर आप भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ में सेलेक्ट हों, ठीक है। लेकिन बेटा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने से या सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन सिर्फ पढ़ते रहने से हम लोग जेई क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए और भी कई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और भी कई चीजों की रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपको होमवर्क दूं, ठीक है ना, फिर उस होमवर्क को जब आप करोगे तो उसमें कोई ना कोई डाउट्स आएंगे, जब डाउट्स आएंगे तो उनको बताने के लिए कोई होना चाहिए, लेकिन वो मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकता हूं। लाइव डाउट्स तो बता सकता हूं लेकिन पुराने डाउट्स नहीं बता पाऊंगा, आप भी समझते हैं एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट थिंग कि आपको अलग से कुछ क्वेश्चन बैंक मिलना चाहिए जिसको आप सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप आपका बढ़ेगा, लेकिन अगेन यूट्यूब के ऊपर हम लोग इतना ज्यादा होमवर्क आपको नहीं दे सकते। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करें डाउट सेशंस की, जैसा मैंने बोला कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जितने भी क्वेश्चंस करोगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी चाहे आपकी नॉलेज कितनी भी हो, बिकॉज क्वेश्चन हम लोगों को करना है एडवांस से ऊपर लेवल तक के, तो डाउट्स आएंगे तो उनको बताने वाला कोई नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम ये पता लगते रहना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कितना मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किस पोजिशन पर आप स्टैंड करते हैं, और वो हो पाता है किससे, टेस्ट सीरीज से, और वो भी हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंडक्ट नहीं करा सकते। आप ये समझते हैं सारी लिमिटेशन, लेकिन अनअकैडमी ने ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल करा रखे हैं कहां पर, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। जिन भी चीजों की मैंने बोली जो कि रिक्वायर्ड है फॉर योर जेई प्रिपरेशन, वो सारे अवेलेबल हैं कहां पर, अनअकैडमी प्लस पर। तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहले तो आप जाएंगे कहां पर, अनअकैडमी के ऐप पर, ठीक है ना। अनअकैडमी लर्नर ऐप आप प्ले स्टोर से या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसके
अंदर आप सर्च ऑप्शन में जाकर मुझे सर्च करिए ब्रजेश जिंदल, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। पहला काम तो आप क्या करोगे, मुझे फॉलो करोगे ताकि आने वाले जो भी मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर उसके बाद में जैसे एक कोर्स मेरा आप ऑलरेडी देख लेंगे वहां पर, जो कि ड्रॉपर्स के लिए है, 12th बच्चों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए। बहुत जल्दी 11th वाला कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कोर्स के ऊपर जाइए और वहां पर मिलेगा आपको गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। एक टैब मिलेगी इस टाइप से ग्रीन कलर की जिस पे लिखा रहेगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो जब आप उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैंने बताया कौन सा वाला, टेस्ट सीरीज वाला। जैसा मैंने बोला टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्री फैक्टर होता है, तो वो सब आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाना है और सब्सक्रिप्शन पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं। इस टाइप के सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आपको वहां पर दिखेंगे, लेकिन अपने को सीरियसली प्रिपरेशन अगर करनी है तो ये 1 month वाला नहीं करना है, 3 month वाला नहीं करना है, 6 month वाला नहीं करना है, ठीक है ना। बिकॉज ये प्रोविजनरी रख रखे, लेकिन अगर मैं पर्सनल आपको कोई सजेशन दूं तो आप सिर्फ ये 12 month या 24 month वाला ही सेलेक्ट करें। रीजन क्या है कि जो बच्चे 11th में है उन्हें जेई देना है कब, 2021 में, तो 2 साल तक प्रिपरेशन करनी है। 2 साल तक प्रिपरेशन करनी है तो एक ये स्पेशली डिजाइन उनके लिए पैकेज है फॉर 24 months, ठीक है ना। तो 24 मंथ के अंदर जो फी पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी पड़ रही है, 40,000 rupees पड़ रही है, ठीक है ना। 24 महीने की जो फी है वो कितनी पड़ रही है, 40,000 rupees पड़ रही है। अगर आप पर डे निकालोगे, पर मंथ भी निकालोगे तो बहुत ही कम आ जाएगी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 600 rupees पर मंथ ये पड़ जा रही है, ठीक है। और 600 rupees पर मंथ अगर पड़ जा रही है, नहीं 600 नहीं, थोड़ी ज्यादा पड़ रही है ऑब्वियसली, निकाल लेना यार जो भी है। तो जो फीस है 24 month की 40,000 बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, लेकिन अगर आप उसको 1 month से काउंट करो तो 1 month इंटू 24 अगर करोगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो अगर अपने को एक रीजनेबल प्राइस के अंदर कोर्स चाहिए तो बेटर है कि आप 24 month वाला सब्सक्रिप्शन लें। और इसमें एक और बेनिफिट आपको मिलेगा कि इफ यू यूज माई दिस कोड बीजे लाइव, ठीक है ना, तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाने वाला है और आपकी ये 2 साल की फी, 24 महीने की फी रिड्यूस होकर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 36,000 rupees, ठीक है ना। तो एक और बेनिफिट मिलेगा फी के अंदर। सेम जो बच्चे 12th में हैं या 13th में हैं तो वो ये वाला कोर्स ज्वाइन करें, बाकी और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो फायदेमंद नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा वर्दी कोर्स उनके लिए रहेगा कौन सा, 12 month वाला। तो इस 12 month वाले सब्सक्रिप्शन पैकेज की जो फी है वो अगेन बहुत रीजनेबल है, सिर्फ और सिर्फ कितना, 25,000 rupees। और इसमें भी सेम बेनिफिट मिलेगा कि अगर ये मेरा कोड यूज करते हैं बच्चे बीजे लाइव, ठीक है ना, तो ये वाला कोड यूज करने पर क्या हो जाएगा, उनकी फी अगेन 10% से रिड्यूस हो जाएगी और सिर्फ रह जाएगी कितने की, 22,500 rupees की, ठीक है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी बल्कि आज ही आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। और जब भी सब्सक्राइब करें तो मेरा ये कोड लगाना ना भूलें जो क्या है, बीजे लाइव है, ठीक है ना। बीजे मेरा इनिशियल है, बीजे सर के नाम से मुझे बच्चे जानते हैं कोटा के अंदर, तो बस बीजे एंड देन लाइव, ठीक है ना, कोई स्पेस नहीं देना है अपने को। बीजे लाइव आप यूज करेंगे तो आपकी जो भी फी हो, चाहे 1 year की फी हो चाहे 2 year की फी हो, दोनों में 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो फी है, एक और चीज कि ये विद टैक्सेस है, इसके अंदर ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड किए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि इसके अलावा आपको कोई टैक्सेस पे करने, दिस इज फुल एंड फाइनल फी, ठीक है ना। और वो भी इतना रिड्यूस होके, तो आई डोंट थिंक इतने रीजनेबल सब्सक्रिप्शन फी पर आपको और कहीं पर भी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन अवेलेबल होगी, और वो भी कोटा लेवल की, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर इट, चलते हम लोग अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है ना। तो आज जैसा मैंने आपको बताई दिया कि कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर की भी डिस्कस कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उससे हम लोगों ने क्या किया था, कई सारी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया था सिंगल स्टेप की कैलकुलेशन में, ठीक है ना। पीओएसी वैसे तो हर रिएक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, चाहे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करके करें चाहे ना करें, हर रिएक्शन में क्या लगता है, पीओएसी लगता है। लेकिन कई बार अगर अपने पास में रिएक्शन पूरी की पूरी ना दी हो तब भी हम लोग पीओएसी लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और वो कैसे करी थी उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके ऊपर करेंगे एक दो क्वेश्चंस, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना, जेई मेंस में आया वो क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ रखा है, और उसमें उसने क्या दिया है,
कि इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, ठीक है ना, कैरियस मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, यहीं पर क्या होता है बच्चे पसर जाते हैं, ठीक है ना, पेपर में एक क्वेश्चन देखते हैं इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, वहीं से उनके दिमाग में क्या आ जाता है कि हमें अपने सर ने तो ये कैरियस मेथड पढ़ाया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये कैरियस मेथड कोई सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को और आगे तक नहीं देखोगे तो यहीं पर पसर जाओगे और क्वेश्चन को छोड़ दोगे। लेकिन उसने क्या किया है, जेई के एग्जामिनर ने क्या किया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग में इसका नाम दिया है कैरियस मेथड। और भी कई क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं इन डूमास मेथड या इन जेल्डाल मेथड, ठीक है ना, इस टाइप से आगे लिखा हुआ होता है, इन विक्टर मेयर एक्सपेरिमेंट, वो स्टार्टिंग में बस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और फिर क्वेश्चन में अटक जाए। हमको एग्जामिनर की चाल में नहीं फंसना है, हमको पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, ठीक है ना। अगर आप इस वाले पार्ट को गायब कर देते हो, क्वेश्चन को आगे से चालू करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन कि 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज, ठीक है ना। स्टार्टिंग की लाइन मैंने हटा दी और अब यहां से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएगा क्या कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें AgBr मिल रहा है और उसने परसेंटेज किसका पूछा है, ब्रोमीन का पूछा है, मतलब डेफिनेटली उस कंपाउंड में कौन प्रेजेंट होता होगा, ब्रोमीन प्रेजेंट होता होगा। तो आप क्या करो, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे सॉल्व करना बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं, कंपाउंड मानेंगे इस टाइप से, कंपाउंड है, कंपाउंड कितना दे रखा है अपने को 250 मिलीग्राम दे रखा है, तो ये 250 मिलीग्राम है, इसके अंदर हम लोग क्या माने कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो क्या करना है, सेक्शन बना लो, इसके अंदर ब्रोमीन ले लिया और रेस्ट पार्ट नहीं पता है अपने को, तो इनको क्या मान लो, अदर्स मान लो, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है इनसे, इनको क्या मान लिया मैंने, अदर्स मान लिया, ठीक है। ब्रोमीन का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करें, ब्रोमीन को यहां पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ब्रोमीन है सपोज मेरे पास में कितना, एक्स ग्राम, क्लियर। और अब उसने क्या बोला है कि जो भी मेथड लगाया उससे मुझे क्या मिल जाता है, उससे मुझे मिल जाता है AgBr, भी कैरियस मेथड हो, फलाना मेथड हो, ढिमकाना मेथड हो, सभी से क्या मिल जाएगा मुझे, AgBr मिल जाएगा। और ये AgBr का उसने अमाउंट मुझे दे रखा है कितना, 141 मिलीग्राम्स, ठीक है। तो अब देखो, जो भी मेथड था वो किसके एस्टिमेशन का था, हेलोजन के एस्टिमेशन का था, और हेलोजन के एस्टिमेशन का था मतलब कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक वो हेलोजन क्या बनी रहेगी, कंजर्व बनी रहेगी, और रिएक्शन में क्या होगा, जो भी कंजर्व बना रहता है उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं हम लोग, POAC। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली POAC लगा दिया किसके ऊपर, ऑन BR, POAC लगा दूं मैं किसके ऊपर, BR के ऊपर। तो POAC ऑन BR का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ BR ऑन लेफ्ट हैंड साइड, या मोल्स ऑफ BR बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ BR आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन BR किस में प्रेजेंट है, कंपाउंड में है, और कंपाउंड में मैंने BR कितना मान लिया, x, तो x इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करें, इसका मोलर मास करते हैं, ब्रोमीन का मोलर मास होता है 80 और एटोमिसिटी कितना 1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड पर AgBr के अंदर BR प्रेजेंट है, तो BR के मोल्स कैसे निकाले, पहले AgBr के निकाल लेते हैं, AgBr कितना दे रखा है 141, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय AgBr का मोलर मास कितना होगा, ये 108, इट इज 108, और ब्रोमीन होता है कितना 80, तो ये कितना आ जा रहा है 188, ये आ जाएगा 188, और ये तो मोल्स आए AgBr के, और मास मिलीग्राम में है तो मोल्स ना के क्या है, मिली मोल्स आए, मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको कितने से, 1 से, बिकॉज ब्रोमीन की एटोमिसिटी AgBr में कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या आ जाएंगे, ब्रोमीन के मोल्स आ जाएंगे, और सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, x मिलेगा, ठीक है ना, x ग्राम की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, मिलीग्राम से मान लेता हूँ, ठीक है ना, x को क्या करूं मैं, मिलीग्राम में मान लूं, बिकॉज सैंपल भी मुझे किस में दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा है, तो x को भी मैंने क्या मान लिया, मिलीग्राम मान लिया, तो x सीधा मेरे पास आ जाएगा किसमें, मिलीग्राम में, इधर मिलीग्राम तो ये मिलीमोल, और ये भी मिलीग्राम तो ये मिलीमोल, तो x सीधा मिलीग्राम में आएगा। और अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, इसके मतलब की अगर बात करें तो वो क्या हो जाना चाहिए, मास ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, वो कितना माना है मैंने, एक्स माना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, टोटल मास है 250 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, तो इससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग कैलकुलेशन करिए और देखो कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने POAC अप्लाई करके JEE लेवल तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है।
ठीक है ना। और इसके लिए मैं फिर से बोलता हूँ कि ये कुछ मेथड वगैरह अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को भटकाने के लिए दिए हुए होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पीओएसी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन होती है, सॉल्यूशंस के लिए। तो पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एकदम जैसा मैंने बोला बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो इवन देखना आप सॉल्यूशन को भी बेसिक से ही अपने को कंटेंट मिलेगा। देखो जैसे सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं केमिकली, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरे मिक्सचर। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस नहीं होता, मतलब कि क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्लियर। और उसके अलावा मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना, ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर। ठीक है ना, क्या होने चाहिए, टू और मोर, और कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए, आपस में रिएक्ट करने वाले नहीं होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्ट नहीं करने वाले सब्सटेंसेस को मैंने कंटेनर में डाला, अच्छे से स्टर किया, और उसके बाद उनकी मिक्सिंग अगर यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, एक जैसी मिक्सिंग हो जाती है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, बनने वाले सिस्टम को क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन बोल सकता हूं। ठीक है, जैसे कि सपोज अपने पास में एक ग्लास है, ठीक है ना, ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, जल भरा हुआ है इसके अंदर, जल भरा हुआ है, ठीक है ना, शुद्ध पानी है इसके अंदर। और अब अगर इसके अंदर मैं क्या करूं, शुगर डाल देता हूं, ठीक है ना, वन स्पून शुगर मैंने डाल दी, स्पून ऑफ शुगर, स्पून ऑफ शुगर, तो क्या होगा, अभी सिर्फ मैंने स्पून ऑफ शुगर डाली है, तो क्या होना चाहिए, यहां पर शुगर का एक ढेर सा बन जाएगा। क्लियर। इस टाइम पर यह जो सिस्टम है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्या है, मिक्सचर है। लेकिन ये जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस नहीं है। रीजन, जल अलग दिख रहा है और शुगर अलग दिख रही है, मतलब मिक्सिंग अभी यूनिफॉर्म नहीं हुई है। क्लियर। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक स्पून डालकर इसको अच्छे से घुमाता हूं, तो क्या होगा, थोड़े से ही टाइम के अंदर शुगर दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है ना, शुगर दिखना बंद होने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जादू हो गया और शुगर यहां से गायब हो गई। शुगर दिखना बंद हो जाने का मतलब क्या हुआ, कि शुगर इसके अंदर मिक्स हो गई, और कैसे मिक्स हो गई, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई है, इसी वजह से वो अपने को दिख नहीं रही है, और इसी वजह से अब जो मिक्सचर बना ये कैसा मिक्सचर बना, होमोजीनियस मिक्सचर बना। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहां पर अब क्या बन जाएगा, शुगर को डिसॉल्व करने के बाद जैसे बन गया शुगर सिरप, शुगर सिरप, शरबत इसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये शुगर सिरप अब क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। इस शुगर सिरप को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसे पानी में नमक डालकर घोल सकते हैं, तब भी क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, अपने को दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लेने, और ऐसे लेने जिनकी मिक्सिंग कैसी होती हो, यूनिफॉर्म होती हो। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ के अंदर कई सारे सॉल्यूशन अपने यूज में आते रहते हैं, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूशन है और कौन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सॉल्यूशन, तो वो क्या है, एवरी सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना, दो कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है ना, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, सब्सटेंसेस आपने चाहे कितने भी मिक्स किए हो, कंपोनेंट हमेशा कितने होंगे, दो होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। नाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट इज लेसर देन व्हाट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज लेसर देन सॉल्वेंट। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि लेसर अमाउंट सब्सटेंस तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लार्जर अमाउंट सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आई बात समझ में, जैसे कि अभी अभी मैंने शुगर सिरप बनाया था पिछले वाले स्लाइड के अंदर, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या था, जल पानी अपने पास में बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट था, और उसमें शुगर एक स्पून ही डाली थी, शुगर सिरप बन रहा था, और इस शुगर सिरप में दो चीजें, एक शुगर है और एक पानी है, तो शुगर को
हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और पानी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, लेसर अमाउंट सब्सटेंस तो सॉल्यूट एंड लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या बोला कि किसी भी सॉल्यूशन के सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, और दो ही कंपोनेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके इक्वल आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और ये कंजर्वेशन किसके टर्म में लगा सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली मास के टर्म में लगा सकते हैं, कि मास के टर्म में क्या होगा, मास के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो मास के टर्म में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए, बिकॉज मास कंजर्वेशन ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, तो वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल रहेगा किसके, वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ये कंजर्वेशन वॉल्यूम के लिए होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है मिक्सिंग पर। दो टाइप की मिक्सिंग होती है, आइडियल मिक्सिंग एंड नॉन आइडियल मिक्सिंग, तो वो हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन वाले पार्ट में। लेकिन चाहे आइडियल मिक्सिंग हो चाहे नॉन आइडियल मिक्सिंग हो, दोनों केस में मास तो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अपने को याद रहना चाहिए, बिकॉज कई बार अपने को ये रिलेशन यूज करना पड़ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, पहली चीज तो कोई भी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन वो किसके सिमिलर होता है, सॉल्वेंट के सिमिलर होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन किसके सिमिलर होता है, सॉल्वेंट के सिमिलर होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर हम लोग बोलें लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें कंपल्शन क्या रहेगा, इसमें कंपल्शन रहेगा अपना कि सॉल्यूट, सॉल्यूट तो कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट गैस हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड, बिकॉज सॉल्यूशन अपना कैसा है, लिक्विड है। तो इसके लिए कंपल्शन क्या है कि सॉल्वेंट को भी क्या होना पड़ेगा, लिक्विड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने को यहां पर जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो 99% कैसे मिलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस ही मिलेंगे, मतलब हर एक में सॉल्वेंट कौन रहेगा, अपना लिक्विड ही रहेगा। और मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, मोस्ट कॉमन लिक्विड सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसके सॉल्यूशन को एक और नाम बोलते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। कहीं पर भी सॉल्यूशन के आगे लिखा हो ये वर्ड एक्वस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर लिया है। तो अगर सॉल्वेंट कौन लिया है, वाटर लिया है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड वाइस वर्सा, कि अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। आया बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग बात करें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की, दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। सॉल्यूशन कोई सा भी हो, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होता है, कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। लेकिन सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है, इट विल बी नॉट लेसर बट वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट विल बी वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। लेसर तो होता ही है, लेकिन डाइल्यूट में क्या होगा, वेरी वेरी लेसर रहेगा। और वेरी वेरी लेसर रहेगा तो अब इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि सिंस डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। अभी अभी मैंने लिखा था मास कंजर्वेशन लगता ही लगता है। नाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूट कैसा है, बहुत बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा है। तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। जैसे सॉल्यूट वन है और वो थाउजेंड है, तो थाउजेंड के रेस्पेक्ट में वन क्या हो सकता है, नेग्लेक्ट हो सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, W of solution ये nearly equal आ जाएगा किसके, W of solvent के,
W of solution will be nearly equal to what? W of solvent. Even ये चीज volume में भी लग सकती है कि volume of solution will be nearly equal to what? Volume of solvent. JEE भी कई बार question दे चुका है इसके ऊपर based, ठीक है ना? तो volume of solution ये भी nearly equal आ जाएगा किसके? Volume of solvent के. तो इससे एक और चीज समझ में आती है, density of solution और density of solvent ये भी दोनों nearly कैसे होंगे? Same ही रहेंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है कि अगर solution dilute है तो उसके अंदर क्या होगा? Solution का mass nearly किसके equal होगा? Solvent के mass के. और volume of solution भी किसके similar होगा? Volume of solvent के, ठीक है? तो ये कुछ basic points हैं regarding solution जो कि questions वगैरह को solve करने में अपने को use आते रहेंगे, तो अपने को ये चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए. Now next thing, कोई भी solution अगर मैंने बनाया तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? Composition होगी. जैसे मैंने sugar syrup बनाया तो sugar syrup बनाने के लिए कितने option हैं मेरे पास में? कई सारे option हैं कि मैं क्या करूं? तीन अलग अलग ग्लास ले लिए मैंने. सपोज तीनों के अंदर मैंने 200 ml वाटर ले लिया, तीनों ग्लास में 200 ml वाटर ले लिया, लेकिन पहले वाले ग्लास में 1 स्पून शुगर डालकर उसको मिक्स कर लिया, दूसरे में 2 स्पून डालकर मिक्स कर लिया, तीसरे में 3 स्पून डालकर मिक्स कर लिया, तीनों में शुगर दिखना बंद हो गई, मतलब तीनों में क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना? लेकिन ये जो तीनों में सॉल्यूशन बना, तीनों का नाम शुगर सिरप ही है, लेकिन तीनों की जो स्वीटनेस है वो कैसी होगी? अलग-अलग होगी. ऑब्वियसली ये सबसे कम स्वीट होगा, फिर ये उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा स्वीट ये वाला होगा. स्वीटनेस अलग है, क्यों? बिकॉज़ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन भी कैसा है? अलग-अलग है. और इसी कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज लेते हैं क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना? किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स. और उनमें से कॉमन कंसंट्रेशन टर्म्स आपके सामने हैं, कौन-कौन सी होती हैं? पहली होती है मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंट वी बाय वी के टर्म में, परसेंट डब्ल्यू बाय वी के टर्म में. उसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसी टाइप से पार्ट्स पर बिलियन एक कंसंट्रेशन टर्म है. मोलैरिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी. मोलैरिटी है, और उसके अलावा नॉर्मैलिटी है, और भी होती है, फॉर्मैलिटी होती है, ठीक है ना? परसेंट V by W किसी भी टाइप की हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कॉमन की. कॉमन बोलने का मतलब जो अपने JEE के सिलेबस में है. आया बात समझ में? तो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको कि अपने को डिस्कस करना है. नॉर्मैलिटी अभी मैं आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा, वो आगे आने वाले एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन में आपको कराऊंगा, तो इसको अभी यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे. बाकी सारी की सारी कंसंट्रेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स का. तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप आगे वाला लेक्चर देखना, ताकि जो चीजें मैं आज पढ़ाऊं वो एक बार में आपको समझ में आती चली जाए, और उसके बाद उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनते चले जाएं, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है क्या? मोल फ्रैक्शन, ठीक है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एक्स से. मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल एक्स से. और ये मोल फ्रैक्शन मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया था, मिक्सचर एनालिसिस वहां पर किया था, तो उसमें मैंने मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन वगैरह निकालना आपको बताया था. तो वही चीज यहां पर है. किसी भी चीज का फ्रैक्शन कैसे, किसी भी प्रॉपर्टी का फ्रैक्शन कैसे निकलता है? प्रॉपर्टी अपॉन टोटल प्रॉपर्टी इन, ठीक है? तो इस टाइप से फ्रैक्शन निकल जाता है. तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यह भी कैसे निकलेगा? मोल अपॉन टोटल मोल. लेकिन निकालना किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए. और सॉल्यूशन में क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होता है. तो मोल फ्रैक्शन किस-किस के लिए निकलता है? सॉल्यूट के लिए भी निकलता है और सॉल्वेंट के लिए भी निकलता है. और मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका वही रहेगा, प्रॉपर्टी अपॉन टोटल प्रॉपर्टी. जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ऑफ सॉल्यूट इसको लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मोल्स और अपॉन में टोटल. टोटल मतलब कि ऐसा नहीं लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखना बहुत गलत चीज होती है. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं तो दोनों को अलग अलग लिखकर ऐड करेंगे. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? मोल अपॉन टोटल मोल हम लोगों ने कर दिया तो ये क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया. इसी टाइप से अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे? ऊपर किसके मोल्स लेंगे? सॉल्वेंट के मोल्स ले लेंगे, और नीचे वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है उसके मोल और अपॉन में टोटल मोल्स आ जाएंगे. साथ ही साथ यहां से एक और रिलेशन क्या निकलेगा, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर मैं करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल आना चाहिए? दोनों को ऐड करके देख लो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करेंगे, नीचे एलसीएम तो सेम ही है, ऊपर क्या बना सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वन के इक्वल आ जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है? वन। तो इससे भी एक और चीज क्या समझ में आता है अपने को कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसा होगा? लेस देन वन होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लेस देन वन होगा। ये दूसरे टाइप से भी हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? मोल अपॉन टोटल मोल कर रहे हैं, ठीक है ना। मोल अपॉन टोटल करने का मतलब क्या हुआ? लेसर अपॉन ग्रेटर कर रहे हैं, और लेसर अपॉन ग्रेटर हमेशा कैसा आएगा? लेस देन वन आएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो ये हो गया अपना क्या, मोल फ्रैक्शंस का सम। क्लियर। नेक्स्ट थिंग जो अपने को आना चाहिए, जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर बताता हूं, कि जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। कई बार मोल फ्रैक्शन दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करें हम लोग? तो उसके लिए देखो, मोल फ्रैक्शन अगर अपने को दिया है तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मानता हूं कि 99% लोग बाग नहीं बताते। सपोज आपको किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दे रखा है कितना, 0.1, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? तो इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल्स होते हैं। तो एक्स ऑफ सल्यूट अगर मुझे 0.1 दे रखा है, 0.1 मतलब कि कितना दे रखा है, 1/10 दे रखा है। तो अपने को याद आना चाहिए कि ये 1/10 बेसिकली क्या है, मोल अपॉन टोटल मोल है। मोल अपॉन टोटल मोल बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने क्या किया, सल्यूट को, अगर मैंने सल्यूट को कितना ले लिया, 1 मोल ले लिया, ठीक है ना। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग चलो, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 10 मोल्स हो जाएंगे। और टोटल में किस किस के काउंट होते हैं? टोटल में काउंट होते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के। सल्यूट के ऑलरेडी कितने हैं, 1 मोल है। तो यहां से मेरे पास किसके भी मोल आ जाएंगे, सॉल्वेंट के भी मोल्स आ जाएंगे। और ये सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे, सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे 9 मोल्स, ठीक है। और अगर हम लोग इस टाइप से लिख पाते हैं तो अपने लिए चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। अमाउंट्स दिया होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, वो तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, लेकिन इसका उल्टा करना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है। लगभग 95% बच्चों से नहीं हो पाता है, लेकिन अब आपको बता दिया है, और वो भी YouTube चैनल के ऊपर बता दिया है, तो अब से आपसे ये चीज बन जानी चाहिए। अगर आप कंसंट्रेशन टर्म को इस टाइप से लिख पाते हो तो मेरा दावा है हर टाइप का क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना लोगे। आया बस ऑन में। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन। प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, 2-3 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं हम लोग, एक बार देख लो चाहो तो आप। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इसे बोलते हैं, और परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू या फिर इसी को बोलते हैं परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास, या एक और लिखा हुआ मिल सकता है आपको परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वेट, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, सबका मतलब एक ही है। उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, इट इज वेट ऑफ सल्यूट किसमें लेना है, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन, ठीक है ना। एक सल्यूशन बनाया तो उसमें डेफिनेटली सल्यूट लिया होगा, सॉल्वेंट लिया होगा, तभी जाकर मिलेगा। तो वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बोलते हैं। तो देखो इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन कैसे डिराइव करें। सपोज मैं मान लेता हूं कि लाइक इन एन डब्ल्यू ग्राम सोल्यूशन, इन डब्ल्यू ग्राम सोल्यूशन कितना प्रेजेंट है, सपोज एम ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, डब्ल्यू ग्राम सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, एम ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। लेकिन परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के लिए तो कितना ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लेना है अपने को, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लेना है। तो यूनिटरी मेथड से डिराइव कर लेंगे कि अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन होता तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना होना चाहिए था, एम अपॉन डब्ल्यू और एन टू कितना 100, और 100 ग्राम में जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बोलते हैं। तो इसके डेरिवेशन से अपने को क्या मिला, एम अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। कहने का मतलब परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट या वेट ऑफ सल्यूट, एम क्या था यहां पर, वेट ऑफ सल्यूट, कौन सी यूनिट में लेना है, ग्राम्स में, अपॉन में मास ऑफ सल्यूशन या वेट ऑफ सल्यूशन वो भी लेना है ग्राम में, और इंटू में कितना, 100।
ठीक है। तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकालना है अपने को, तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन और इनटू में कितना 100। ये तो कैलकुलेशन करना हुआ कि कैसे हम लोग परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकालेंगे। नाउ इसी का उल्टा चीज कि अगर अपने को परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दे रखा है तो उससे अपने को क्या समझ में आता है, तो जैसे कि सपोज मैं बात करता हूं कि फॉर एक्स परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, एक्स परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सोल्यूशन ऑफ एनओएच, इस टाइप से मैंने कुछ ले लिया, ठीक है ना, एक्स परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सोल्यूशन ऑफ एनओएच है। तो अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो देखो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो ये परसेंटेज कितना है इसके लिए एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स ग्राम क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट, सोल्यूट कौन है इसमें, सोल्यूशन ऑफ एनओएच मतलब कि एनओएच प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट है कितने में, इन 100 ग्राम, और 100 ग्राम किसका, ऑफ सोल्यूशन। अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को इस टाइप से लिख पाते हैं तो पहली बात तो ये श्योर है कि वो कंसंट्रेशन टर्म आपने सिर्फ रटी नहीं है, आपने समझ ली है, और दूसरी चीज अब आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी श्योर है, ठीक है ना। तो एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सोल्यूशन को मैंने क्या लिख लिया कि एक्स ग्राम एनओएच प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज व्हाट, परसेंट वी बाय वी, परसेंट वी बाय वी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलर है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के, इसको लिख सकते हैं हम लोग परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, जैसे वो था परसेंट बाय मास, तो ये क्या है, परसेंट बाय वॉल्यूम है। जनरली ऐसे सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं जहां पर सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, ज्यादातर उसके लिए यूज करते हैं। तो परसेंट बाय वॉल्यूम, और उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वहां पर क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको भी उसी टाइप से डिराइव कर सकते हैं जैसे मैंने परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू डिराइव किया था, यहां पर देखो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का डेरिवेशन मैं क्या कर लेता, इन वी एम एल सोल्यूशन, सपोज एक्स एम एल सोल्यूट है तो क्या हो जाएगा, 100 एम एल के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वी इंटू 100, कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि परसेंट वी बाय वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एम एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल और इंटू में कितना 100, ठीक है ना, जैसे उसका डेरिवेशन वैसे ही इसी का डेरिवेशन है, क्लियर। और इसी टाइप से लास्ट कंसंट्रेशन टर्म मतलब कि परसेंटेज में लास्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होती कौन सी, परसेंट डब्ल्यू बाय वी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और परसेंट वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, इट इज व्हाट, इट इज वेट ऑफ सोल्यूट, और वो किसमें लेना है, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 एम एल ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, ये वेट ऑफ सोल्यूट है और उधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो इसको कैसे डिराइव करें, कोई एक सोल्यूशन मान लेते हैं हम लोग जिसके कि अंदर सपोज अपने को पता है कि लेट सपोज वी एम एल सोल्यूशन है अपने पास में, ठीक है ना, वी एम एल सोल्यूशन, और वी एम एल सोल्यूशन के अंदर सपोज क्या है, एक्स ग्राम सोल्यूट है, ठीक है ना, जो सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया उसमें वी एम एल सोल्यूशन था और उसमें क्या है, एक्स ग्राम सोल्यूट है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म डिराइव करने के लिए क्या करना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है मुझे, 100 एम एल लेना है। तो ये अगर मैंने 100 एम एल सोल्यूशन लिया तो 100 एम एल सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, 100 एम एल सोल्यूशन में हो जाएगा यूनिटरी मेथड से एक्स अपॉन वी और इनटू में कितना 100, और 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जो भी ग्राम में सॉल्यूट आता है उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट w बाय v, और वो क्या आ रहा है, x अपॉन v इनटू 100, कहने का मतलब परसेंट v बाय v क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, x क्या लिया था मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, v क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, और इनटू में कितना 100। आया बात समझ में, तो ये तो हुआ कि अगर अपने को अमाउंट्स दे रखा है तो परसेंट डब्ल्यू बाय वी कैसे निकालना है, इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स का मतलब कि जैसे अगर अपने को दे रखा है कि फॉर एक्स परसेंट डब्ल्यू बाय वी सॉल्यूशन, एक्स परसेंट डब्ल्यू बाय वी सॉल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए, परसेंट डब्ल्यू बाय वी होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 एम एल ऑफ सोल्यूशन, तो वो कितना है, एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स ग्राम सोल्यूट, एक्स ग्राम सोल्यूट होना चाहिए कितने के अंदर, इन 100 ml of solution,
एक्स ग्राम ऑफ सोल्यूट होना चाहिए किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और इस टाइप से अगर हम लोग लिख पाते हैं तो जैसा मैंने बोला कि हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये तीन टाइप की परसेंट स्ट्रेंथ है अपने पास में, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड परसेंट वी बाय वी। तीनों का थोड़ा डिस्कशन सेम ही है, मास हमेशा लेना है ग्राम में और वॉल्यूम लेना है हमेशा ml में। ठीक है, एक और कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको डिनोट करते हैं किससे, ppm से। ठीक है, तो मिलियन का मतलब कितना होता है, 10^6। परसेंटेज में निकालते हैं 100 में, तो यहां पर उसी टाइप से निकालते हैं कितने में, 10^6 में। मतलब कि इट इज वेट ऑफ सल्यूट किस में लेना है, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन की अगर बात करें तो आई थिंक खुद से कर सकते हो आप लोग, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या आ जाएगा ppm के लिए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स और इनटू में कितना, 10^6। आया बात समझ में। नाउ इसी टाइप से एक और कंसंट्रेशन टर्म होती है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या हुआ, बिलियन होता है कितना, 10^9। इसको डिनोट करेंगे ppb से, तो वो होता है कितना, 10^9 होता है। तो बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ 10^6 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10^9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये और दो कंसंट्रेशन टर्म है ppm एंड ppb, जो यूज होती है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को आप नियरली कितना ले सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करी है। क्या क्या बताया मैंने आपको, मोल फ्रैक्शन बताया, फिर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बताया, उसके बाद में परसेंट वी बाई वी बताया, उसके बाद परसेंट डब्ल्यू बाई वी बताया, फिर ppm और ppb। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है। बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म है उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उसके पहले इन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बन सकने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं अब डिस्कस। ठीक है ना, तो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म एक बार चाहो तो आप लोग रिवाइज कर लो, और उसके बाद में वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है किसमें, इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो अपने से कुछ चीजें उसने पूछी है। पहली बात तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन का पहला ही क्वेश्चन है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस होने का मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और सॉल्वेंट अगर वाटर है तो ये जो NaOH दिया हुआ है, ये NaOH बेसिकली क्या है, NaOH इज सॉल्यूट। ये चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मतलब कि NaOH तो क्या है, सॉल्यूट है, और एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। 20 ग्राम उसने NaOH अपने को दिया हुआ है, मतलब अपने पास में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये दिया हुआ है अपने को कितना, 20 ग्राम्स। ठीक है ना, साथ ही साथ 100 ml एक्वस सॉल्यूशन है, तो 100 ml एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि ये दे रखा है अपने को क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना, 100 ml। और साथ ही साथ अपने को क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। ठीक है ना, डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे मास निकाल सकते हो। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्यूशन का। कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इट विल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, 100, डेंसिटी है 1.1, तो ये आ जाएगा कितना, 110 ग्राम। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें अपने को निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। अब क्या क्या मुझे निकालना है वो साथ के साथ निकालते चलेंगे। परसेंट डब्ल्यू बाई वी चाहिए, परसेंट डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में कितना, 100। तो ये तो सब कुछ चीजें अपने को सामने ही दिख रही है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है, यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है परसेंट डब्ल्यू बाय वी। तो परसेंट डब्ल्यू बाय वी का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिख रहा है, सॉल्यूट लिया मैंने 20 ग्राम, तो 20 ग्राम अपॉन में क्या आना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml सामने लिखा हुआ है कितना, 100 ml और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100। और अगर ऐसा हम लोग करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या निकल आया, 20%। और ये 20% क्या है, w बाय v है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम।
सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल हो जाएगा अपना। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पूछा है, और परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वो अपने सामने लिखा हुआ है कितना 20 ग्राम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने निकाला कितना 110 ग्राम, तो ये 110 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये 20 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आ जाएगा, ठीक है ना, यह आ जाएगा 200 अपॉन 11%, 200 अपॉन 11%, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने दो पार्ट तो सॉल्व कर लिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में अपने को क्या करना है, मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए बेटा क्या करें, हम लोग दोनों के मोल्स चाहिए, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शंस के लिए पहले तो दोनों के मोल्स चाहिए। तो मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट ये तो कितने आ जाएंगे, सल्यूट कौन है, NaOH है, और NaOH का मुझे मास पता है कितना है 20 ग्राम है, तो 20 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना 40, तो ये आ जाएगा कितने मोल्स, 0.5 मोल्स। इसके अंदर तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, ये आ जाएगा 0.5 मोल्स, क्लियर। नेक्स्ट मुझे साथ ही साथ सॉल्वेंट के भी मोल्स निकालने, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और अभी वाटर का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सामने जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उससे आपको आइडिया लग जाएगा, वाटर सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है और वो सॉल्यूशन है। तो मास कंजर्वेशन तो हम लोग लगा सकते हैं कि सिंस वेट ऑफ H2O, ये वेट ऑफ H2O किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड माइनस वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, ठीक है ना, मास कंजर्वेशन तो हर जगह लगता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और अब ये अगर कैलकुलेशन हम लोग लगाएं तो कितना आ जाना चाहिए, वेट ऑफ H2 आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास है 110 माइनस में कितना 20, तो ये आ जाएगा कितना 90 ग्राम, ये आएगा कितना 90 ग्राम, और 90 ग्राम अगर H2O है तो इसके मोल्स भी निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा अपने पास में, 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास, H2O का मोलर मास सबको पता है कितना होता है 18, मतलब कितने मोल्स आ जाएंगे, 5 मोल्स आ जाएंगे, और अगर H2O के मोल्स 5 हैं तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने से अपने को कोई रोक नहीं सकता। जैसे मोल फ्रैक्शन अगर मुझे चाहिए किसका, NaOH का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मतलब क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 0.5 अपॉन में टोटल, टोटल मतलब कि 0.5 और प्लस कितने 5, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 5 अपॉन 0.5 अपॉन कितना 5.5, मतलब 5 अपॉन 55, और 5 अपॉन 55 का मतलब कितना हो गया 1 अपॉन 11 हो गया, ठीक है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन 11 आ रहा है, तो अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालने के लिए क्या करें, ये 1 अपॉन 11 को किस में से माइनस कर दें, 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 1 अपॉन 11, और ये कितना आ जाएगा 10/11, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को कई सारी इन्फॉर्मेशंस दे रखी थी, सभी को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ने अपना आंसर निकाल लिया है। आई बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 15 ग्राम मिथाइल एल्कोहल प्रेजेंट है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास परसेंट ऑफ मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन पूछा है, तो ये तो एकदम लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, इसको नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है अपने को इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन 0.2, तो अपने से क्या पूछा है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, ठीक है ना। अब अपने को अमाउंट ना देकर क्या कर रखा है उसने, एक का एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है क्या, मोल फ्रैक्शन, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा है उसने क्या, मास परसेंट, मतलब परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन में मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो अभी अभी मैंने मोल फ्रैक्शन को लैंग्वेज में लिखना बताया था आपको, क्या मोल फ्रैक्शन किसका, यूरिया का, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट तो कौन है, वाटर है, मोल फ्रैक्शन यूरिया 0.2 है, 0.2 मतलब 2/10, या फिर कितना लिख सकते हैं इसको, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इफ यूरिया कितना मोल है, यूरिया है अपने पास में 1 मोल, यूरिया अपने पास में है कितना 1 मोल, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे 5, टोटल मोल्स 5, और 5 में से 1 मोल यूरिया का है, तो वाटर का कितना मोल्स हो जाएगा, वाटर का मोल्स हो जाएगा 4 मोल। आया बात समझ में,
तो मैंने मोल फ्रैक्शन से क्या किया, दोनों के मोल्स निकाल लिए। नाउ मोल से अब मैं क्या कर सकता हूं, दोनों के मासेस निकाल सकता हूं। और मासेस क्यों निकालेंगे हम लोग, बिकॉज अपने को मास परसेंट निकालना है। वन मोल यूरिया मतलब कि 1 × 60 दैट इज 60 ग्राम, 60 मोलर मास होता है तो ये 60 ग्राम। और 4 मोल वाटर है तो 4 × 18 में कितना 18, तो 18 × 4 कितना हो जाएगा 72 ग्राम। ठीक है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाना चाहिए, दोनों को ऐड कर दो 2 और 1 3, तो ये 132 ग्राम किसका मास आ गया, सोल्यूशन का मास आ गया। और अब तो क्या करना है अपने को, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालने के लिए सिर्फ क्या करें, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के लिए सिर्फ अपने को क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास में 60 ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है अपने पास में 132 ग्राम है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है अपने को 100 करना है। ठीक है, तो अगेन बहुत इजी तरीके से क्या हुआ अपने पास में, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, जल्दी से लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, पीपीएम पीपीबी का परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट डब्ल्यू बाई वी के तो हो गए हैं। पीपीएम वाला क्वेश्चन लेते हैं कि अपने को बोला है उसने एक रिवर वाटर है, रिवर वाटर के अंदर कई सारी चीजें मिली होती हैं, और उसमें एक सॉल्ट मिला हुआ है क्या, केसीएल, और इस केसीएल का उसने क्या दिया हुआ है अपने को, परसेंटेज दिया हुआ है, केसीएल का सॉरी पीपीएम दिया हुआ है। और अब उसने क्या पूछा है, कंसंट्रेशन पूछा है किसके अंदर, पीपीबी के अंदर। ठीक है, तो अगेन उसी टाइप का प्रॉब्लम है कि एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन है और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा है, तो क्या करें, पहले पीपीएम को लिखते हैं। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम को लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 200 ग्राम केसीएल प्रेजेंट है कितने में, कितने में प्रेजेंट है, इन 10^6 ग्राम ऑफ रिवर वाटर, मतलब कि सोल्यूशन। रिवर वाटर को क्या मानना है अपने को, सोल्यूशन मानना है। ये मैंने लिख लिया कि जो दिया हुआ था उसको लिख लिया, और अब मुझे सिर्फ क्या करना है, पीपीबी लगाना है। पीपीबी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास में 200 ग्राम है, अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है 10^6 है, और मल्टीप्लाई होगा कितने से, ये 10^9 से। पीपीबी के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 10^9 से। और जब इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर आ रहा है 1000, तो ये आ जाएगा 2 × 10^5 किसकी वैल्यू, पीपीबी की वैल्यू। तो पीपीएम से पीपीबी में कन्वर्जन किया, और देखो बहुत सिंपल तरीके से किया, बस अपने को क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करी है, और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। कौन कौन सी होंगी, एक तो मोलैरिटी होगी, एक मोलैरिटी होगी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर बेस होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। बस मोलैरिटी मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इवन आज जो मैंने पढ़ाया उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अगले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता में इस चैनल को शेयर करें जिसका नाम है अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी। और फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन सीरियसली करना चाह रहे हैं तो गो फॉर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर जब सब्सक्राइब करें तो ये कोड लगाना ना भूलें, कौन सा, बीजे लाइव, ताकि आपको मिल सके क्या 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन ओके बाय बाय, लव यू।